जिसका भी जमीन जा रहा होगा उसको जमीन का मुआवजा मिल जाएगा और उसके बाद ताल योजना जो है राजधानी एक्सप्रेस से तेज गति से काम करेंगे, सरकार पर कार्रवाई करेंगे। आपकी समस्या, आपका जो दुख है, दर्द है, वही दूर करना मेरा फर्ज है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद ललन सिंह आज मोकामा पहुंचे थे, जहां मोकामा के ओटा गांव में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद जो है के दौरान ललन सिंह ने अपनी तमाम यानी बिहार सरकार की तमाम उपलब्धियों को और तमाम पॉलिसीज को जो है इस जनसभा के दौरान ललन सिंह ने गिनवाना शुरू किया। तो देखिए, आज साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां जो है वो तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसे में जदयू ने भी जो है फुल ऑन तैयारियां शुरू कर दिया। वैसे में ललन सिंह जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खुद मुंगेर से सांसद है, वो तमाम बिहार के अलग अलग जिलों में भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वहां जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, बिहार सरकार की उपलब्धियों को गिनवा भी रहे। इसी कड़ी में मोकामा पहुंचते हैं ललन सिंह, जहां मोकामा के ओटा गांव में जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं उस वक्त उन्होंने बिहार सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनवाया, बिहार सरकार की तमाम पॉलिसीज नीतियों के बारे में वहां के लोगों को समझाया भी। क्या कुछ ललन सिंह का कहना था इस कार्यक्रम के दौरान? बिहार विधान परिषद के सदस्य कार्तिक मास्टर साहब, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य वाल्मीकि जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष जी, मुखिया जी, आप सभी उपस्थित, यहाँ उपस्थित सभी महागठबंधन के सभी नेतागण और मुखिया जी और सभी साथी और माताओं पर, आज हम मुख्य तौर पर आप लोगों से मिलने के लिए आए, कोई भाषण देने के लिए हम आए नहीं। अयोटा के अलावा हिया से लेके बाहा पर तक कहीं माइक नहीं लगा, खाली हुए जो है प्रखंड अध्यक्ष जी जो है कि माइक लगाता है, तो बढ़िया है माइक लगा दिए तो आपकी समस्या भी सुने। मुख्य तौर पर जो आपकी समस्या है वो समस्या है ताल योजना, और आप सबको मालूम है कि ताल की योजना बन गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको स्वीकृति दे दिया, स्वीकृति देने के बाद उसका टेंडर हो गया, टेंडर के बाद काम अलॉट हो गया। अब उसमें एक ही काम अभी चल रहा है कि पूरे बांध का, जहां जहां बांध बनाया जाना है उस सबका सर्वे करके किसका कोई जमीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो जमीन के मुआवजा का आकलन हो रहा है। एक महीना के अंदर वो आकलन पूरा हो जाएगा, जिसका भी जमीन जा रहा होगा उसको जमीन का मुआवजा मिल जाएगा और उसके बाद ताल योजना जो है राजधानी एक्सप्रेस से तेज गति से काम करेगा। ताल का योजना पर अगर काम पूरा हो जाएगा, ताल योजना का काम अगर पूरा हो जाएगा तो आप सभी लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। खेती बाड़ी सबका तो खेत वही हो, कहाँ हो खेत, ताले में हो वो तो ताल में खेत है। और बाकी इधर तीरा के जितने लोग हैं उन लोगों का जो जमीन का झंझट था, सबका जमीन का पर्चा मिल गया ना, सबका पर्चा मिल गया जमीन का, तो जमीन का पर्चा भी मिल गया, आपके ताल योजना का काम भी शुरू हो गया। अरे वो सड़क का भी टेंडर था, कहाँ गए मुखिया जी? सड़क वाला भी टेंडर होगा, अभी टेंडर हुआ था एक बार फिर रद्द हो गया, तो नाला वाला नाला सड़क विभाग तब अभी सड़क का टेंडर भी होगा और नाला भी बनेगा, और इस क्षेत्र का जो भी विकास के बारे में और भी आज कई दरखास्त मिला है, सब दरखास्त को हम यहाँ से जाएंगे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद एक एक दरखास्त पर कार्रवाई करेंगे। आपकी समस्या, आपका जो दुख है,
दर्द है वही दूर करना मेरा फर्ज है, कर्तव्य है। आई देखिए कबड्डी वाली लड़की सब भी आके दरखास्त दिए भाई है कि कबड्डी का प्रैक्टिस करने के लिए मैदान चाहिए, तो मैदान भी चिन्हित कर लीजिए। सीओ साहब है यहाँ क्या? तो वो हम बात करेंगे एसडीओ से कि यहाँ कोई अगर जमीन होगा मैदान होगा उसको चिन्हित करके कबड्डी में भी लड़कियों को खेलने का प्रैक्टिस करने का सुविधा मिले, इसलिए सारा काम जो है वो होगा। महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, आप सबको मालूम है। आ नीतीश जी तो हनी के एमपी ना रहा तो ना पांच साल सबके मालूम है कि कितना काम करने वाले आदमी है, तो हर काम को एक एक काम को देखते हैं। आज भी हम घूमेंगे और कल उनको बताएंगे कि औंटा से लेकर बाहर तक कौन कौन समस्या है, सब समस्या को बताएंगे और सब पर कार्रवाई होगा और सबका स्वीकृति होगा। इसलिए आज हमको बहुत जगह जाना है, तो लंबा भाषण देने के लिए हम नहीं खड़े हुए हैं, हम सिर्फ आपको अरे जीविका दीदी को तो नीतीश कुमार जी आसमान पर पहुंचा दिए हैं। आप बताइए महिलाओं को सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार जी ने कितना बड़ा काम किया है, 1,30,00,000 से ज्यादा आज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जीविका के माध्यम से नीतीश कुमार जी सशक्त कर रहे हैं। महिलाओं को 35% नौकरी के आरक्षण दिए हैं, बिहार के अलावा कोई राज्य नहीं है जहां सरकारी सेवा में 35% का आरक्षण है, 50% का आरक्षण नगर निकाय में दिए हैं, पुलिस सेवा में दिए हैं, और आप तो नीतीश कुमार जी जीविका के कार क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। और पटना में जो बड़का मुख्यालय है पुलिस भवन का पटेल भवन, वहां भी अब जीविका दीदी को ही दे दिए हैं कैंटीन चलाने का जिम्मा। सब जगह अभी जीविका दीदी को सशक्त करने का काम कर रहे हैं, और जीविका एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, और वो काम को नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो इसलिए जीविका दीदियों को भी मेरी बहुत सारी शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद।